Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. प्रियंका चोपड़ा भारतीय फिल्म अभिनेत्री और साल 2000 की मिस वर्ल्ड खिताब को जीतने वाली है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को बिहार राज्य के जमशेदपुर में हुआ। उनके पिता का नाम अशोक और माता का नाम मधु चोपड़ा है। उनके माता पिता दोनों ही भारतीय आर्मी में सेवारत थे। उनके पिता पंजाबी हैं जबकि उनकी माता झारखंड से है। उनके एक भाई सिद्धार्थ भी है जो उनसे 6 साल छोटे हैं। परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनार उनकी बहनें हैं। अपने पिता की नौकरी के कारण उनके परिवार को भारत की कई जगहों पर रहना पड़ता था, जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अम्बाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे भी शामिल है। प्रियंका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ की गर्ल्स स्कूल से की और बरेली के सेंट मारिया कॉलेज से ग्रहण की। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा था कि उसे बार बार यात्रा करने से कुछ नहीं होता और बार बार स्कूल बदलते रहने पर भी उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो इसे नए अनुभव और नए समाज की तरह अपनाती है। जितनी भी जगह प्रियंका और उनका परिवार रहने गया है, उन जगहों पर प्रियंका ने अपने बचपन की यादों को संजोए रखा है। प्रियंका कहती थी, मेरे ख्याल से जब मैं 4th कक्षा में थी तभी मेरे भाई का जन्म हुआ था। मेरे पिता उस समय आर्मी में थे, इसीलिए मुझे 1 साल तक लेह में ही रहना पड़ा था। मैं और मेरे दोस्त ने उस पल काफी मस्ती की थी, वो पल आज भी मुझे याद है। 13 साल की उम्र में प्रियंका पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई। वहाँ वो अपनी आंटी के साथ रहने लगी थी। अपनी किशोरावस्था में प्रियंका को अमेरिका में रहते हुए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसमें जातीय समस्या मुख्य रूप से थी। वो कहती थी कि मैं एक अजीब लड़की थी जिसे खुद का कभी सम्मान ही नहीं था। अमेरिका जाने के 3 साल बाद ही प्रियंका भारत वापस आ गई। उस समय उन्होंने सीनियर कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसी समय प्रियंका ने स्थानिक ब्यूटी क्वीन होने का शीर्षक अपने नाम किया। इसके बाद वो और उसका परिवार इसी क्षेत्र में प्रियंका को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उनकी माता ने प्रियंका को 2000 की फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में डाला, जिसमें उसका 2रा नंबर आया और उसने फेमिना मिस वर्ल्ड का शीर्षक भी जीता। बाद में प्रियंका ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उन्हें मिस वर्ल्ड 2000 का ताज मिला। इसके साथ ही उन्हें 30 नवंबर 2000 को एशिया समुद्र की ब्यूटी क्वीन का शीर्षक दिया गया। मिस वर्ल्ड खिताब को जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा 5वीं भारतीय है और इसे 7 सालों में 4थी भारतीय है। प्रियंका ने बताया कि मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन्हें फिल्मों में ऑफर आने शुरू हो गए थे, पर पहले प्रियंका चोपड़ा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन भारतीय फिल्म जगत में काम करने के ऑफर उन्होंने अपना लिए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई तमिल फिल्म धमी जहान से की थी। 2006 से ही प्रियंका ने खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री साबित कर दिया, क्योंकि 2006 में आई उनकी 2 फिल्में क्रिश और डॉन आर्थिक रूप से उस समय की सबसे सफल फिल्म रही। बाद में 2008 में आई फिल्म फैशन ने उनका करियर ही बदल दिया। उस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और साथ में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2015 में उन्होंने ABC ड्रामा क्वांटिको को करना शुरू किया और अमेरिकन नेटवर्क सीरीज को हेडलाइन करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी। एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ ही प्रियंका बहुत से स्टेज शो भी करती है, न्यूज़पेपर के लिए कॉलम भी लिखती है और बहुत से उत्पादकों की ब्रांड एम्बेसडर भी है। एक खूबसूरत अदाकारा होने के साथ साथ प्रियंका एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी है। 2012 में उन्होंने इन माई सिटी और एग्जॉटिक नाम के अपने एल्बम भी रिलीज किए। प्रियंका बहुत ही मानव सेवी काम करने के लिए जानी जाती है, इसी के चलते 2010 में यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी। प्रियंका बहुत से सामाजिक कार्य भी करती है और प्रकृति, स्वास्थ्य और पढ़ाई, महिला शिक्षा और महिला अधिकार, महिला सुरक्षा, समलैंगिकता का प्रचार प्रसार भी करती है। वो कभी अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की जिंदगी नहीं बनाती। प्रियंका को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। प्रियंका ने 1 दिसंबर 2018 को अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर निक जोनस से शादी कर ली। निक जोनस प्रियंका चोपड़ा से 10 साल छोटे हैं, लेकिन उन दोनों का प्यार सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलता है। फिल्मी हस्तियों के घराने के ना होने के बावजूद प्रियंका ने खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री बनाया और हॉलीवुड में भी अच्छा काम कर रही है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और काम में ईमानदारी का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।